राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जिस तरह से भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करी है, मेरी कामना पूरी करी है मकान निर्माण की, उसी तरह से आपकी भी भगवान हर इच्छा पूरी करे। भगवान पे विश्वास, आस्था और मेहनत के साथ हर कार्य को आप सफल कर सकते हैं। तो बस इससे पहले ही मैंने अपने मकान निर्माण का जो बोरिंग हुआ था उसका जो छोटा सा वीडियो वो आप लोग को दिखाई दे रहा है। अब जो कालम है ना वो खुद चुके हैं यहाँ पर, और ये वीडियो काफ़ी पुराना है, जब बारिश हो रही थी उस समय का है। तो मतलब कि 1.5-2 महीने पहले का वीडियो है ये, और उस समय इतनी बारिश हो रही थी जिसके कारण हम लोग को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये देखिए कालम खुद गए, और बारिश की वजह से पानी कालम में भर जाता था, फिर पानी निकालते थे फिर भर जाता था, दिक्कत जाती थी, जो जमीन वहाँ से भी पानी रिस रहा था। इस वजह से बहुत ही मुश्किल से जो एक कालम है ना वो हुए हैं, और यहाँ से ये सेंटिंग वाले भैया सेंटिंग बांध रहे हैं। लेकिन जिस मतलब मेहनत से, और घबराना नहीं है किसी भी कार्य को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मेहनत और हिम्मत से हर कार्य की सफलता हो ही जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमको इसमें ना पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पानी गड्ढों में भरा था, तो बस सूखा मटेरियल डाल भर दिए थे। और जो हमारे ठेकेदार हैं ना वो भी बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही सपोर्टिंग थे, बहुत ही उन्होंने अच्छे से काम करा। और नहीं तो कई बार क्या होता है ऐसी कंडीशन में ठेकेदार लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरा ये घर है ना कितनी मुश्किल से बन रहा है, और इनके पापा तो रहते नहीं थे, वो ड्यूटी पे रहते थे, तो अधिकतर मेरे को ही देखना पड़ता था पूरा सब कुछ यहाँ पर। और इस सारी कंडीशन में मैंने फेस करी थी यहाँ पर। कभी कभी तो ऐसा होता था कि अभी रोक दिया जाए शाम को और जब बारिश खत्म हो जाएगी उसके बाद शुरू करें, लेकिन जिस तरह से ये फैलावड़ा फैला हुआ था ना तो ऐसा लग रहा था कि जितनी जल्दी यहाँ से निपटें, जितनी जल्दी ऊपर आएँ इस जगह से उतना अच्छा। तो बस यहाँ देखिए कालम सारे भर चुके थे, उसके बाद जो इस कंडीशन आई थी वो बहुत ही साफ़ सुथरी हो गई थी कंडीशन, मतलब फिर सब कुछ साफ साफ हो रहा था। आस पड़ोस वालों को भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो नाली है ना वो जाम हो रही थी, पूरा मटेरियल बाग और नालियों में भर जाता था, तो उसको साफ़ करवाओ। उसके बाद फिर हमारा जो है ना ये कुर्सी हाइट तक हो गया था, और उसके बाद ये तरी कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमने हाइट ली है ना, मकान की हाइट जो हमने ली है ना वो 4 फीट के आसपास ली है, क्योंकि बारिश में इस एरिया में पानी भर जाता है। तो सभी ने कहा था कि हाइट थोड़ी ऊँची लीजिएगा, और बारिश के दिनों में हर कॉलोनी में पानी भरना आम बात हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा हमने हाइट ले ली है इसकी 4 फीट, इतने में तो पानी कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। इतना सब कुछ बनने में हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई थी। इसलिए जब भी आप मकान का काम शुरू करें तो ध्यान रखिएगा बारिश में ना करें। बारिश जैसे एंड होती है, बारिश का ख़त्म होने का रहता है, ठंडी शुरू हो जाती है, तब तक आप अपना काम शुरू करें। और उसके बाद देखिए ये छत डल गई है मेरे मकान की, छत हाइट आ गई है और छत डल चुकी है, ये सीढ़ियाँ बन चुकी हैं, और जो चारों तरफ की दीवारें हैं ना वो बन चुकी हैं। बीच का मतलब एक तरह का ढांचा बन चुका है ये पूरा मकान का, और अंदर की जो दीवारें हैं, दरवाजे, खिड़कियाँ, ये बाद में देंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे अंदर काम ये। और ये देखिए इस तरह से पूरा बंधा हुआ है, अंदर नहीं जा सकती मैं ज़्यादा, क्योंकि डर भी लगता है कहीं कुछ गिर गुरा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा हम लोगों ने सेंटिंग बनवा दिया है, छत बनने की तैयारी हो रही है। जिस दिन छत भरेगी ना उस दिन का वीडियो भी मैं लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो बस ये यहाँ पर देखिए इस तरीके से, इनको देख के डर भी लगता है कि कहीं कुछ ईंट वीट खसक जाए कर जाए तो क्या हो। ये किचन बनेगा हमारा, मतलब जिस तरह से मैं मकान बना रही हूँ ये सबसे लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं किस तरह से मेरा पूरा मकान बना है, पूरा घर बना है। तो यहाँ पर ये किचन बनेगा, और ये किचन है कम से कम 10 बाई 15 का, 10 बाई 15 का एक किचन है ये। बाकी सारे रूम वूम निकलेंगे, और यहाँ पर ये छत पे सब लोग घूम रहे हैं। थोड़े बहुत जो कालम रह गए थे उनको भर रहे हैं, और उसके बाद इसकी छत की जो भराई होगी ना, छत की जब भरने आएंगे उस समय का मैं वीडियो आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। इस वीडियो में ऐसा ज़्यादा कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था आप लोगों के लिए, लेकिन ये मेरा सपना था मकान बनाने का जो पूरा हो रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये छोटी छोटी क्लिपिंगें शेयर करूँ। वो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ, फिर लेके आती हूँ इस तरह के छोटे छोटे वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।